आदिशक्ति माँ जगदम्बा अपने अनेक रूपों में जगत का कल्याण करती है। कहीं पर ज्वाला देवी, कहीं चामुंडा, कहीं विंध्यवासिनी, तो कहीं पर मैहर देवी के रूप में। इसी प्रकार माँ अपने एक अनुपम रूप में गोरखपुर के कुसमी जंगल में विराजमान है, जिन्हें हम बुढ़िया माई के नाम से जानते हैं। हमारी ये कहानी माँ के उस अनुपम रूप की कहानी है, माँ में अपने भक्तों की श्रद्धा की कहानी है, माँ के अपने भक्तों पर ममता लुटाने की कहानी है। माँ अपने भक्तों पर हमेशा अपनी ममता का आंचल फैलाए रखती है। तो आइए देखते हैं कैसे संजना माँ में अनुपम भक्ति और विश्वास से अपने बहन के दुखों का निवारण करती है। माँ की ममता की छांव में रहकर अपने परिवार के कष्टों को दूर करती है।
पंडित जी थोड़ा तो सुनो बेटा, ये भी पहले तो पहले भी देख ली। हाँ पंडित जी, हम माई के बड़ा बखान सुनले रहले तो हम कटवर से ले माई के दर्शन करे। लेकिन माई के बखान कितने कहिला उतने कम बात, माई इतने प्रसन्न है कृपा बरसावे हमें जैसे मनीषा के साथ। मनीषा के रहले हैं का भइल लूं करा के तो पंडित जी हमहु के बतावल लिया। मनीषा मनीषा की कहानी जाने के पड़ी, कहानी की सुबह जाने के पड़ी।